आप सुन रहे हैं किसान तक पॉडकास्ट गुड़ की डली, हर सुबह एक मीठी बात। नमस्कार, मैं हूँ संदर्शिका। आज की मीठी बात जुड़ी है हरियाणा से। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को नए साल का गिफ्ट दिया है। सरकार ने रबी फसल के नुकसान के बदले मुआवजे के रूप में करोड़ों रुपए की बीमा क्लेम राशि जारी की है। इससे प्रदेश के हजारों किसानों को फायदा हुआ है। वहीं सरकार के इस फैसले से प्रदेश के किसान काफी खुश हैं। उनका कहना है कि वो मुआवजे की रकम से गेहूं, सरसों और दूसरी फसलों में समय पर खाद और कीटनाशकों का छिड़काव कर पाएंगे। इससे उत्पादन में बढ़ोतरी होगी। दरअसल पिछले साल फरवरी मार्च महीने में बेमौसम बारिश से गेहूं, सरसों और जौ समेत कई रबी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा था। खासकर हजारों हेक्टेयर में खड़ी गेहूं की फसल ओलावृष्टि से बर्बाद हुई थी। ऐसे में किसानों ने सरकार से क्लेम के रूप में मुआवजे की मांग की थी। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने क्लेम के रूप में नए साल पर करीब 31 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। इससे प्रदेश के 7 जिलों में लगभग 29,400 किसानों के खाते में क्लेम की राशि पहुंच गई। वहीं कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की चिंता करती है। हमारी यही कोशिश रहती है कि किसानों की किसी तरह से इनकम बढ़ाई जाए। इसके लिए सरकार प्रदेश में कई तरह की योजनाएं भी चला रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदाओं से फसल खराब होने पर किसानों को लगातार मुआवजा दे रही है। रबी सीजन 2022-23 के दौरान बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुँचा था। इसके लिए 31 करोड़ रुपए की मुआवजा क्लेम राशि जारी की गई। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी ही अच्छी और काम की खबरों के लिए सुनते रहिए हमारा ये खास पॉडकास्ट गुड़ की डली।